In today's lecture, we will see about the parallel computing. तो पैरेलल कंप्यूटिंग पे बात करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि व्हाट आर द कॉन्सेप्ट इन ट्रेडिशनल एंड व्हाई वी नीड अ पैरेलल कंप्यूटिंग. सो पैरेलल कंप्यूटिंग पे बात करने से पहले एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कंप्यूटेशन की बैकएंड पर अगर हम नज़र डालें तो ये पाएंगे कि आधुनिक युग में जो सीरियल कंप्यूटेशंस था वो असफल हो गया. ऐसा क्यों? क्योंकि कि अगर हम देखें, ध्यान से समझें, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को सीरियल कंप्यूटिंग के लिए कन्वेंशनली रूप से लिखा गया इनिशियल में, और इसका मतलब ये था कि जो भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमने एल्गोरिथम लिखा था वो एल्गोरिथम इंस्ट्रक्शंस हमारे मेन प्रॉब्लम को छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस में विभाजित करता था, तोड़ता था, और इन प्रॉब्लम इंस्ट्रक्शंस को एक के बाद एक सीपीयू मींस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पर एग्जीक्यूट किया जाता था. मींस एट ए टाइम वी कैन एग्जीक्यूट ओनली वन इंस्ट्रक्शंस. तो इस केस में क्या होता था कि सीपीयू का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता था और हमारा एग्जीक्यूशन टाइम भी बहुत ज्यादा हो जाता था बिकॉज वी एग्जीक्यूट वन इंस्ट्रक्शंस एट अ टाइम. सो ट्रेडिशनली सॉफ्टवेयर हैज बीन रिटन फॉर द सीरियल कंप्यूटेशन एंड इन द सीरियल कंप्यूटेशंस अ प्रॉब्लम इज ब्रोकन इनटू अ डिस्क्रीट series of instructions. Instructions are executed sequentially one after another. So execution on a single processor, only one instructions may execute at any moment of time. So इन सारे चीजों को हम इस फिगर के माध्यम से देखते हैं, then we find कि हमारे पास अगर कोई एक problem है, this problem can be broken into number of instructions like as instructions 1, 2, 3 and so on. So we have taken n instructions or at a time only one instructions can be executed by the processor. When this instructions will be executed, now second instructions will be executed. और जब second वाला खत्म हो जाएगा तो third वाला execute होगा. Normal way में हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि एग्जाम आप एग्जाम्पल लीजिए इस तरीके का कि जैसे फिल्म टिकट के लिए लोगों को एक लाइन में खड़ा होना पड़ता है टिकट लेने के लिए, और सपोज करिए कि काउंटर पे केवल एक ही कैशियर हो तो कैशियर एक एक करके लोगों को टिकट देगा, और अगर हमारे पास 100 लोग लाइन में खड़े हैं, 100 बंदे लाइन में खड़े हैं, हर एक बंदे को अगर एक टिकट देने में एक मिनट का समय लगता है, देन वी टेक नियर अबाउट 100 मिनट्स टू प्रोवाइड द टिकट टू ऑल द पर्सन. अब अगर सपोज करिए कि मैं दो लाइन लगवा दूं, 50-50 कस्टमर का अलग अलग लाइन लगवा दूं, फिर भी केवल एक ही कैशियर रहे तो भी इसका कोई एडवांटेज नहीं है. एडवांटेज नहीं है. अगर मैं दो कैशियर रखता और दो लाइन होता तो इट मे बी पॉसिबल कि वहां पे समय कम लगेगा. अगर 50-50 बंदों की दो लाइन लगी है और हर एक के लिए एक डेडिकेटेड कैशियर बैठा हुआ हर एक लाइन के लिए, तो पहले जो 100 मिनट का समय लग रहा था अब केवल 50 मिनट का समय लगेगा. तो इसीलिए सीरियल कंप्यूटेशंस के लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए अलग कॉन्सेप्ट आया, दैट इज कॉल्ड पैरेलल कंप्यूटिंग. Parallel computing. So a parallel computing is the simultaneous use of multiple computer resource to solve a computation problem. हम क्या करते हैं, problem को छोटे छोटे instructions में तोड़ते हैं, एक problem को कई सारे problem broken into discrete part, then can be solved concurrently. And each part further broken down to a series of instructions.
मीन्स सबसे पहले जो हमारा प्रॉब्लम होता है हम उसको डिस्क्रीट पार्ट में तोड़ते हैं, अगेन जो हर एक डिस्क्रीट पार्ट होता है वो अलग अलग इंस्ट्रक्शंस में ब्रोक होता है, तोड़ा जाता है, एंड थर्ड वन इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम ईच पार्ट एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली ऑन द डिफरेंट प्रोसेसर। तो हुआ क्या कि सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को डिस्क्रीट पार्ट में तोड़ा, फिर हर एक इंस्ट्रक्शंस को, हर एक डिस्क्रीट पार्ट को छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस में तोड़ा, देन हर एक निर्देश को, हर एक इंस्ट्रक्शंस को वन बाय वन हमने एग्जीक्यूट किया, और किसी भी समय केवल एक ही इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होगा। तो यहां पे देखिए इन दिस केस कि ये हमारा पूरा का पूरा एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हमने फोर डिस्क्रीट पार्ट में डिवाइड किया, दिस वन इज ऑफ वन, सेकेंड डिस्क्रीट पार्ट, दिस वन इज ऑफ थर्ड एंड फोर्थ। हर एक डिस्क्रीट पार्ट को हमने अलग अलग इंस्ट्रक्शंस में डिवाइड कर दिया। सेम वे सेकेंड डिस्क्रीट पार्ट को भी हमने अलग अलग इंस्ट्रक्शंस में डिवाइड कर दिया, थर्ड डिस्क्रीट स्ट्रक्चर को भी, डिस्क्रीट को भी हमने अलग अलग इंस्ट्रक्शंस में डिवाइड कर दिया। नाउ दिस इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस विल बी एग्जीक्यूटेड बाय दिस प्रोसेसर, दिस इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस विल बी एग्जीक्यूटेड बाय द सेकेंड प्रोसेसर, दिस इंस्ट्रक्शंस कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द थर्ड प्रोसेसर, एंड लास्ट इंस्ट्रक्शंस कैन बी यूज्ड बाय, कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय फोर्थ प्रोसेसर। हर एक डिस्क्रीट पार्ट का इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन ही एग्जीक्यूट करेगा, मीन्स आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शंस नेक्स्ट दिस विल बी एग्जीक्यूटेड एंड नेक्स्ट दिस विल बी एग्जीक्यूटेड। बट इफ वी टॉक ओवरऑल कॉन्सेप्ट देन एट द सेम टाइम सेम दिस इंस्ट्रक्शंस दिस वन दिस वन दिस वन विल बी एग्जीक्यूटेड बाय डिफरेंट प्रोसेसर। सो इस केस में अगर हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 एट इंस्ट्रक्शंस हैं हर एक डिस्क्रीट पार्ट के लिए, देन वी कैन से दैट देयर आर फोर डिस्क्रीट पार्ट, मींस देयर आर 8 × 4 इज इक्वल टू 32 इंस्ट्रक्शंस, एंड फोर इंस्ट्रक्शंस विल बी एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर। तो इस केस में हमारा क्या होगा, हमारा पैरेलल कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट यूटिलाइज हो रहा है यहां। नेक्स्ट वन कि द कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम शुड बी एबल टू, फर्स्ट वन, बी ब्रोकन अपार्ट इनटू अ डिस्क्रीट पीस ऑफ वर्क दैट कैन बी सॉल्व साइमल्टेनियसली, एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एट एनी मोमेंट इन टाइम, एंड बी सॉल्व इन लेस टाइम विथ मल्टीपल कंप्यूटर रिसोर्स देन विथ अ सिंगल कंप्यूटर रिसोर्स, एंड द कंप्यूटर रिसोर्स आर टिपिकली अ सिंगल कंप्यूटर विथ मल्टीपल प्रोसेसर कोर, एन आर्बिट्री नंबर ऑफ सच कंप्यूटर कनेक्टेड बाई अ नेटवर्क। तो जो आपके आजकल डुअल कोर i3 i7 आ रहा है दैट इज द पैरेलल कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट। बट ऐसा नहीं है कि केवल आप कंप्यूटर यूज कर लेंगे पैरेलल कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट का तो आपका इंस्ट्रक्शन सोना शुरू हो जाएगा। यू कैन नाउ यू विल मेड एल्गोरिथम विच फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो एक पूरे प्रॉब्लम को डिफरेंट डिफरेंट डिस्क्रीट पार्ट में ब्रेक कर सके, एंड वन मोर कैपेबिलिटी देन दैट दे विल एग्जीक्यूट मोर देन वन इंस्ट्रक्शंस ऑन डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर साइमल्टेनियसली, मीन्स एट वन टाइम। तो आपको उस तरीके का सॉफ्टवेयर भी यूटिलाइज यूज करना पड़ेगा जो पैरेलल कंप्यूटिंग को सपोर्ट करे, बिकॉज सीरियल कंप्यूटेशंस में, इस ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में, हमारे जो भी प्रोग्राम लिखे गए, जिस भी एल्गोरिथम को फॉलो करके प्रोग्राम लिखे गए, वो सारे के सारे हमारे सिंगल सीरियल कंप्यूटेशन बेस पे थे, पैरेलल कंप्यूटेशंस के कॉन्सेप्ट पे हमारा प्रोग्राम नहीं लिखा गया था।
सो यू नीड अ हार्डवेयर विच सपोर्ट पैरेलल कंप्यूटेशंस एज वेल एज यू विल नीड अ सॉफ्टवेयर विच ऑल्सो परफॉर्म ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल कंप्यूटेशन। नाउ दीज पैरेललिज्म कैन बी डिवाइडेड बेसिकली फोर टाइप्स, मीन्स वी कैन से दैट देयर आर फोर टाइप्स ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग। फर्स्ट वन इज अ बिट लेवल पैरेललिज्म। सो इन दिस केस इंक्रीज प्रोसेसर वर्ड साइज विच रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस द प्रोसेसर मस्ट एग्जीक्यूट इन ऑर्डर टू परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑन वेरिएबल ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द वर्ड। दिस मीन्स अगर हम इसको समझें देन पैरेलल कंप्यूटिंग कंप्यूटेशंस का एक ऐसा प्रारूप है जो बढ़ते प्रोसेसर के साइज पर आधारित होता है, और ये बड़े आकार के डेटा वाले मींस जो डेटा जिसकी साइज बड़ी होती है तो उनपे कार्य करने के लिए सिस्टम द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले इंस्ट्रक्शंस की संख्या को कम करता है। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस वुड बी रिड्यूस। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो सपोज करिए कि 8 बिट प्रोसेसर को दो 16 बिट इंटीजर नंबर को जोड़ना, मींस एक प्रोसेसर है जो 8 बिट है और उस प्रोसेसर की हेल्प से हमें दो इंटीजर नंबर जोड़ने हैं जो कि 16 बिट में है। तो हमारा प्रोसेसर का साइज 8 बिट है लेकिन जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो 16 बिट का, तो इसको करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, दो इंस्ट्रक्शंस लगेंगे। पहला वाला 8 बिट लोअर ऑर्डर के लिए और सेकंड 8 बिट फॉर द हायर ऑर्डर। और अगर हमारे पास सपोज करिए 16 बिट का प्रोसेसर है देन वी नीड ओनली वन इंस्ट्रक्शंस ऑपरेशन एट अ टाइम, मींस केवल 16 बिट के प्रोसेसर के लिए सिर्फ एक इंस्ट्रक्शंस के साथ ऑपरेशन कर सकता है। सो दिस वन इज द बिट लेवल पैरेललिज्म। सेकेंड वन इंस्ट्रक्शंस लेवल पैरेललिज्म। सो इन इंस्ट्रक्शंस लेवल पैरेललिज्म द हार्डवेयर अप्रोच वर्क अपॉन डायनेमिक पैरेललिज्म एंड इन डायनेमिक पैरेललिज्म द प्रोसेसर डिसाइड एट रन टाइम विच इंस्ट्रक्शंस टू एग्जीक्यूट इन पैरेलल। द सॉफ्टवेयर अप्रोच वर्क अपॉन स्टैटिक पैरेललिज्म इन विच द कंपाइलर डिसाइड विच इंस्ट्रक्शंस टू एग्जीक्यूट इन पैरेलल। मींस इन इंस्ट्रक्शंस लेवल पैरेललिज्म दिस वर्क ऑन द डायनेमिक पैरेललिज्म कॉन्सेप्ट। और डायनेमिक पैरेललिज्म कॉन्सेप्ट ये कहता है कि प्रोसेसर विल डिसाइड एट रन टाइम टू विच इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूट। रन टाइम पे डिसीजन लेता है प्रोसेसर कि कौन से इंस्ट्रक्शंस को हमें एग्जीक्यूट करना है। बट इफ वी टॉक अबाउट द स्टैटिक पैरेललिज्म व्हिच वन इज द नॉट कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लेवल पैरेललिज्म, बट अगर स्टैटिक पैरेललिज्म है तो इस केस में कंपाइलर डिसाइड करेगा कि कौन सा इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होगा। थर्ड वन इज अ टास्क पैरेललिज्म। सो टास्क पैरेललिज्म इज अ फॉर्म ऑफ पैरेललाइजेशन ऑफ कंप्यूटर कोड अक्रॉस मल्टीपल प्रोसेसर दैट रन सेवरल डिफरेंट टास्क एट द सेम टाइम ऑन द सेम डेटा। मीन्स किसी कार्य को, कोई भी हमारा टास्क है, उस टास्क के डीकंपोजिशंस को सब टास्क में इंप्लॉय करता है, फिर एग्जीक्यूट के लिए प्रत्येक हर एक सब टास्क को एलोकेट करता है। और प्रोसेसर सब टास्क का एग्जीक्यूशन कॉन्करेंटली करता है, मींस एट अ टाइम करता है। एंड फोर्थ वन इज अ सुपर वर्ड लेवल पैरेललिज्म। So super word level parallelism is a vector technique that can exploit parallelism
ऑफ इन लाइन कोड. सो दीज आर द फोर डिफरेंट वेरियंट ऑफ द पैरेललिज्म. अगर हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं वेयर वी यूज पैरेललिज्म कॉन्सेप्ट, देन वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेललिज्म इन द केस ऑफ डेटाबेस एंड डेटा माइनिंग. वी कैन यूज द पैरेललिज्म कॉन्सेप्ट इन रियल टाइम सिमुलेशंस ऑफ सिस्टम. साइंस और इंजीनियरिंग के फील्ड में भी पैरेललिज्म कॉन्सेप्ट का यूज होता है. एडवांस ग्राफिक्स में, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी में भी हमारा पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट यूज होता है. एंड व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ पैरेललिज्म. सो फर्स्ट लिमिटेशन इज कि जो सब टास्क होता है, मीन्स जो टास्क डिफरेंट डिफरेंट सब टास्क में डिवाइड होता है, देन सब टास्क और प्रोसेसर के बीच कम्युनिकेशन और सिंक्रोनाइजेशन, मीन्स कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट और सिंक्रोनाइजेशन से कॉन्सेप्ट, ये करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है. मीन्स वी यूज अ टफ कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम टू कम्युनिकेट एंड टू सिंक्रोनाइज द सब टास्क विथ प्रोसेस. सेकेंड इज जो हम एल्गोरिथम लिखते हैं तो एल्गोरिथम को इस तरीके से मैनेज किया जाना चाहिए कि उन्हें पैरेलल मैकेनिज्म में हैंडल किया जा सके. क्योंकि कि जो भी हम एल्गोरिथम पढ़ते हैं डेटा स्ट्रक्चर में या डा में, वो हमारा सीरियल कंप्यूटेशंस का है, पैरेलल कंप्यूटेशंस का हमारा एल्गोरिथम नहीं है. तो जो भी हम एल्गोरिथम लिखे दैट विल सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल एल्गोरिथम. थर्ड वन की जो भी हम एल्गोरिथम लिख रहे हैं या एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए प्रोग्राम बना रहे हैं, तो दैट विल फॉलो लो कपलिंग एंड हाई कोहेशन. लो कपलिंग एंड हाई कोहेशन, लेकिन लो कपलिंग एंड हाई कोहेशन का प्रोग्राम बनाना एक बहुत टफ टास्क है. सो ये भी एक इसका लिमिटेशंस है. और सबसे बड़ा कि आपको उसके पैरेललिज्म के कॉन्सेप्ट में एक्सपर्टाइज होना पड़ेगा. मीन्स मोर टेक्निकली स्किल्ड एंड एक्सपर्ट प्रोग्राम्स ही एक पैरेललिज्म बेस्ड प्रोग्राम को अच्छी तरीके से कोड कर सकता है. सो दिस वन इज द लिमिटेशंस ऑफ पैरेलल कंप्यूटेशंस. नेक्स्ट वन, व्हाट इज द एप्लीकेशंस आर क्लासिफाइड as either, means next parallel applications are typically classified as a, first one is a fine grained parallelism, second one is a coarse grained parallelism, third one is a embarrassing parallelism. And what is the fine grained parallelism, what is the coarse grained parallelism, and what are the embarrassing parallelism? So in which a subtask will communicate several times per second with the processor is known as a fine-grained parallelism. In which a subtask will communicate several times per second is known as a fine-grained parallelism. Second one is a coarse-grained parallelism. So in which subtask do not communicate several times per second. And in the case of third, like as embarrassing parallelism. So in case of embarrassing parallelism, in which subtask rarely or never communicate with the processor. So in case of fine grain, subtask will communicate several times per second. In case of coarse grain, do not communicate several times per second. And in case of embarrassing parallelism, subtask rarely or never communicate with the processor. So this one is the whole concept of parallel computations. Next one is the distributed computing. So as name suggests, distributed computing. So distribute means divide karna. So a single problem
इज डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज सॉल्व बाय डिफरेंट कंप्यूटर. इन प्रीवियस कॉन्सेप्ट लाइक एज अ पैरेलल कंप्यूटिंग अ टास्क इज डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स एंड ईच सब पार्ट्स विल बी एग्जीक्यूटेड बाय द डिफरेंट प्रोसेसर ऑन द सेम मशीन. But in the case of distributed computing, a problem is divided into many parts and each part is solved by different computers. As long as the computer are network, they can communicate with each other to solve the problem. If done properly, the computers perform like a single entity. For example, आपके सीपीयू से आपका मॉनिटर भी कनेक्ट है, या फिर एक एग्जांपल ले लो, आपके लैब में 40 कंप्यूटर हैं और मैंने एक ही प्रिंटर लगा रखा हुआ है, लेकिन एक ही प्रिंटर से वो 40 कंप्यूटर कनेक्ट है. मींस आप किसी भी कंप्यूटर से प्रिंट का कमांड दिया तो वो एक ही सिंगल जो प्रिंटर रखा हो वहां से प्रिंट निकल रहा है. दिस वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर. So the computers that are in a distributed system can be physically close together and connected by a local network, or they can be geographically distant and connected by a wide area network. A distributed system can consist of any number of possible configuration, such as mainframe, पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, मिनी कंप्यूटर एंड सो ऑन. द गोल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इज टू मेक सच अ नेटवर्क वर्क एज अ सिंगल कंप्यूटर. So this one is the concept of distributed computing. अगर इसको सिंपल वे में समझा जाए तो हम एक ऐसा नेटवर्क बनाएंगे जिसमें अलग अलग कंपोनेंट किसी नेटवर्क के थ्रू, चाहे वो लैन हो, चाहे मैन हो, चाहे वैन हो, एक दूसरे से कनेक्ट रहे एंड दे वर्क लाइक एज ए सिंगल एंटिटी. कि मतलब हम सारे कंपोनेंट एक दूसरे से कम्युनिकेट करें. अगर कम्युनिकेट करेंगे तभी वो सिंगल एंटिटी की बात होगी, अगर कम्युनिकेट नहीं करेंगे देन दैट विल बी नॉट अ सिंगल एंटिटी. जब भी हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात करेंगे तो उसके लिए तीन चीजों की होना बहुत जरूरी है. फर्स्ट वन इज अ नेटवर्क जिसके थ्रू हम कंपोनेंट को आपस में कनेक्ट करेंगे. सेकेंड वन इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन एंड थर्ड वन इज अ मिडलवेयर सर्विसेज लाइक एज अ सॉफ्टवेयर. सो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ऑटोनोमस कंप्यूटर के कलेक्शन से मिलकर के बना हुआ है और ये सिस्टम नेटवर्क तथा डिस्ट्रीब्यूटेड मिडलवेयर के माध्यम से जुड़ा होता है. और आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करता रहता है. अगर हमारा एक लैन है तो लैन में अगर जियोग्राफिकली ज्यादा दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, इन द केस वी परफॉर्म अ वैन ऑपरेशंस.